हिंदी आकाशवाणी में आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत ही सुहाना है। मौसम ने मिजाज बदला है और इतने दिनों की गर्मी के बाद अब थोड़ी ठंडक महसूस की जा रही है। आज के मुख्य समाचार। भारतीय हॉकी टीम त्रिकोणीय विश्व प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रही है। उनके रवाना होने से पहले हमने कोच जगदीश जी से मुकाबले में जीतने के मौके के बारे में बात की। उन्होंने हमें बताया, टीम पूरे उत्साह में है और हम अच्छा खेलेंगे। कल अचानक शहर के बाहर पश्चिम में स्थित लकड़ी के कारखाने में आग लग गई। 3 दमकल गाड़ियों को मौके पर तत्काल रवाना किया गया। उन्होंने आग पर जल्द ही काबू पा लिया था। सूत्रों के मुताबिक आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। शहर के कॉलेजों में चल रहे छात्र चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए हैं। अन्य समाचार इस प्रकार है। एक नवयुवक वृद्धावस्था में नेमा रोड गांधीवली पर पाया गया और तत्काल सीआईडी की टीम को मौके पर तफ्तीश के लिए बुलाया गया है। पहली बार देखने पर यह घटना नाटकीय लग रही है। हम इसकी ताजा जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। उनसे पूछताछ कर रहे हैं, तो जैसे कुछ पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। अक्सर लोग सुबह सुबह यहाँ जॉगिंग के लिए आते हैं। मैं आज थोड़ा जल्दी आ गया तो देखा कि ये आदमी पड़ा हुआ है। और कोई था आसपास? नहीं, मैंने तो देखा नहीं, और अगर होगा भी तो शायद भाग गया होगा। पीठ पे तो कोई घाव दिख नहीं रहा है, तेरा बॉडी सिला कर। ये सर, देखिए इसकी मौत हुई कैसे। आंखें फटी हुई है, मरते 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 कुछ भयानक देख लिया। ये बड़ा अजीब घाव है। हाँ सर, चाकू या गोली का घाव नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने दांत से काटा है। दांतों से कोई क्यों काटेगा सर? क्या मालूम, ये कोई कोई जानवर जैसा हो। पॉकेट में भी कुछ नहीं है। सर, उस आदमी ने इस लाश को सुबह सुबह ही देखा। सुबह सुबह मतलब कल रात को ही किसी जानवर ने इसे मार दिया है। सर, रात को ये एरिया एकदम सुनसान रहता है, कोई आता जाता नहीं है यहाँ पर। तो गर्दन पे ऐसे निशान तो बाघ चीता वगैरह ही अटैक करते हैं। पर सर, गर्दन पे इस घाव के अलावा शरीर पे और कोई चोट का निशान है ही नहीं, ऐसा कैसे? हाँ बिल्कुल, ये खून भी ज्यादा नहीं निकला। और यहाँ आसपास खून के छींटे भी नहीं है। सर, कहीं ऐसा होता नहीं कि उस जानवर ने इस आदमी को कहीं और मार और फिर लाश को यहाँ के छोड़ दिया? नहीं विवेक, अगर ऐसा होता तो यहाँ आसपास लाश को घसीटने के निशान होते, मगर ऐसा नहीं है। और एक बात और, अगर किसी जानवर ने इस आदमी को मारा है तो फिर उस लाश को ऐसे छोड़ के जाएगा क्या? कैसा रीति
रात को तुम मुझे कब्रिस्तान में क्यों ले आए? मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से चलो। मालती, मालती तुम डरो मत, मैं हूँ ना, तुम घबराओ मत। कट 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 कट, प्यार केदार क्या कर रहे हो? कोई एक्सप्रेशन नहीं है तुम्हारे चेहरे पर, बिल्कुल फ्लैट है। ये लाइनें तो ठीक बोल रहा है ना? हाँ सर। ओके। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारी एंट्री अभी नहीं है, तुम्हें अपना क्यू याद नहीं है? अरे यार क्यों चले आए तुम यहाँ पर अभी? जब केदार यहाँ से जाएगा और ये लड़की अकेले रह जाएगी, तब तुम इसके पीछे आकर के इसके ऊपर झपटना, याद रखोगे ना? जाओ जाओ अपनी जगह पर, और क्यों याद रखो? चलो भाई शुरू करते हैं फिर से। ओके। अभिनव यहाँ कैसे भाई? अरे वैसे भी रिहर्सल में देर से पहुंचे हो, तुम्हें मालूम है कि नाटक में 3 दिन बाकी हैं, और अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर के तैयार हो। यस सर। ये क्या खोया खोया सर? मुझे लगता नहीं कि वो परफॉर्म कर पाएगा। इसे बदल क्यों नहीं देते? अब 3 दिन बचे हैं, इस वक्त मैं कोई चेंज नहीं कर सकता हूं, अगले शो में देखेंगे। ओके रेडी गाइस, चलिए एक्शन। केदार ये तुम मुझे इतनी रात कब्रिस्तान में कहां लेकर आ गए? चलो यहां से, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, कुछ नहीं होगा तुमको, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। नहीं केदार, टेंशन मत लो, मैं आता हूँ 2 मिनट में, बस यहीं रुको तुम। पागल हो क्या? डरा दिया था। क्या हुआ? चलिए सर, आपका मेकअप करना है, वो नया मेकअप सर, प्लीज ट्राई कर लेते हैं। बॉस तुम्हारा शक एकदम सही, इसकी गर्दन पर ये जो निशान है ये नुकीली दांतों के हैं, किसी जानवर के काटने से बने। और लगता है सर ये जानवर इन्हीं में से कोई एक है जिनके नुकीले दांत होते हैं, ये देखिए, जैसे कि शेर चीता या कोई। अरे बाप रे, इतने सारे जानवर शहर में घूम रहे, आज से तो रात को मैं बाहर नहीं निकलूंगा घर से। फेरी से ये सारे जानवर नहीं, इनमें से कोई एक ही शहर में घूम रहा है सर। वो जो भी है बाबा, दुर्घटना से देर भली, जान है तो जहान है। 2 हफ्ते पहले इसी जानवर ने 2 आदमियों को मारा था, ये तीसरा है, अब चौथा नंबर किसका आएगा क्या मालूम। यार सरों की एक बात समझ में नहीं आती है, ये जानवर शिकार को मारता है पर खाता नहीं है, है ना? बड़ी अजीब बात। हाँ है तो अजीब बात, लेकिन बॉस इससे भी अजीब एक और बात है। वो क्या? वो ये, इस आदमी के शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं है। इसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं है? नहीं, ऐसा लगता है जानवर ने इस पे हमला करके इसे खाया नहीं, सिर्फ इसका खून चूस लिया। क्या सरण, ऐसा कौन सा जानवर है जो शिकार को मारता है और सिर्फ उसका खून ही पीता है? ये शेर भेड़िया चीता तो हो ही नहीं सकते। हाँ ये तो है। एक बात और बोल, जब जानवर ने इस पर हमला किया होगा तो इसने अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर तो जरूर फेंका। हाँ, लेकिन इसके शरीर पर कोई खरोच, कोई घाव का निशान नहीं, ना ही इसके कपड़ों पर जानवर का कोई बाल वगैरह मिला। अच्छा सुनो, एक बात बता, जिस जानवर ने इस आदमी को यहाँ पर काटा है, यहाँ पर जहाँ पर उस जानवर के दांतों के निशान है, क्या उसके आसपास उस जानवर का सलाइवा है, उसकी थूक? नहीं बॉस, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैंने अच्छी तरह से चेक किया है, थूक का नामो निशान नहीं। क्या यार, ये कैसे हो सकता है? सारों के काटने का निशान है पर थूक नहीं? अरे नहीं है यार, मैंने चेक किया है अच्छी तरह से, जैसे मैं और भी टेस्ट कर रहा हूँ, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अब लोगों को चेतावनी देनी पड़ेगी इस जानवर से सावधान रहने के लिए। चलता हूँ। आज रात को तुम मुझे घर छोड़ने के लिए आना, प्लीज। जो मैं सोच रहा हूं वो सच नहीं हो सकता, एक बहुत बुरा सपना था, बहुत बुरा।
पर मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। ठीक से बांध दिया है, अब ये गांठ नहीं खुलेगी, अब कुछ नहीं होगा। स्टार्ट हो जाओ, इस सुनसान सड़क पर धोखा मत दे, स्टार्ट हो जाओ। Damn it. ये रात को आप कहां से मदद मांगो, आधे घंटे से ऊपर हो गए उस टोइंग वैन को बुला के, इडियट अभी तक नहीं आया। समीरा बोल रही हूँ, मैंने आपसे कहा था ना टोमैन भेजने के लिए, अभी तक नहीं पहुंचा है क्या? पर मैं आपसे कह रही हूँ ना, वो नहीं आया यहाँ पर। हाँ देखिए प्लीज आप फोन करके पता कीजिए, एंड फॉर गॉड सेक उसे जल्दी यहाँ पर भेजिए प्लीज। Thank you. कौन है? कौन है? कौन है? मेरे हाथ, ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब क्यों हो रहा है, इसका क्या मतलब है? ऐसा क्या हो सकता है रात को जो मेरे मुंह और हाथों में खून आ जाता है? मुझे तो कुछ
याद भी नहीं रहता। नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की मुख्य घटनाओं पर। पिछले दिनों से शहर में हो रही सिलसिलेवार हत्याओं के बाद ठीक उसी प्रकार गाड़ी के पास एक लड़की की लाश पाई गई। पुलिस और वहां मौजूद लोगों का कहना है कि ये किसी जंगली जानवर का काम है। लड़की की गर्दन पर जंगली जानवर के दांतों के निशान पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि किसी जानवर ने ही उस पर हमला किया है। परंतु शहर के बीचों बीच ऐसा भयानक जंगली जानवर कैसे आ सकता है? इस विषय पर आज पूरे दिन हम आपके साथ बने रहेंगे। आपकी सुबह शुभ हो। ये सब मैंने तो नहीं, नहीं! सर, इन मैडम ने हमें यहाँ फोन करके बुलाया था, मगर जब हम आ रहे थे रास्ते में हमारी वैन खराब हो गई। फिर हमने गैरेज से दूसरी वैन मंगाई और जब आया सर, ये देखो। तुम यहाँ पे कितने बजे पहुँचे थे? कोई सर, सुबह के 5:30 बजे। 5:30 बजे। और तुम्हारी आखिरी बार इन मैडम से कितने बजे बात हुई थी? लास्ट कॉल इन्होंने सर रात को 1:30 बजे किया था। रात के 1:30 बजे, मतलब ये खून रात के 1:30 बजे से सुबह 5:30 के बीच में हुआ है। ठीक है, ये देखिए सर, इसकी गर्दन पर भी ये घाव है और सर इसके शरीर पर और कोई भी निशान नहीं है और सर इसका भी ज्यादा खून नहीं बहा है। ये देखिए, ये उसी खूनी का काम लगता है जिसने पहले भी खून किए हैं। और सर रास्ते के आसपास कोई जंगल भी नहीं, यहाँ पे भी किसी जंगली जानवर का आना मुश्किल है सर। थोड़ा अजीब है, पर शायद कोई भूखा जंगली जानवर शहर में घुस आया है जो लोगों को मार रहा है मगर खा नहीं रहा है। ये देखिए सर, सर इसके नाखूनों में खून लगा हुआ है सर। इसके नाखून टूटे हुए थे, ऐसा लगता है अपने आप को बचाने के लिए इसने खूनी पे ऐसे नोचा होगा। ठीक है, इसके नाखून के खून से DNA सैंपल निकलवाते हैं, साफ पता चल जाएगा कि कौन सा जानवर है जो शहर में आतंक मचा रहा है। हाँ सर, उनके आओ ऐसे जी साहब, बस एकदम करेक्ट टाइम पे आए हो। इस लड़की के नाखूनों में जो मांस और खून मिला था, डॉक्टर तारिका उसकी रिपोर्ट लेकर के बस आते ही हैं। अब पता चल जाएगा कि ये जानवर है कौन सा। एग्जैक्टली, एक के बाद एक शिकार किए जा रहा है, पर किसी को दिखता क्यों नहीं? बस इस बार तो इसने इस लड़की के कंधे पर भी वार किया। ये देखो, देख रहे हो ये दो निशान? ये किसी जानवर के तेज नुकीले दांतों के निशान। कैनाइन टीथ। तो इसका मतलब है सारुंग, इस बार उस जानवर ने इस लड़की के कंधे को अपने दांतों से जकड़ लिया और फिर नाखून से इसकी गर्दन काट दी। बिल्कुल, ये दांत किसी छोटे जानवर के दांत। छोटे जानवर के? तो क्या सारुंगे कोई छोटा जानवर इतना ताकतवर हो सकता है? सर, हाँ तारिका। सर रिपोर्ट आ गई है। पता चल गया कौन सा जानवर है? हाँ सर, सर मांस और खून से ये पता चला है कि ये कोई जानवर नहीं है, खूनी एक इंसान है। क्या? कोई इंसान? मतलब ये सब कोई एक आदमी कर रहा है? हाँ सर, एक आदमी ही ये सब कर रहा है। कोई आदमी है? और सर, मांस और खून के साथ एक केमिकल भी मिला है। केमिकल? कैसा केमिकल? सर ये केमिकल मेकअप बनाने में इस्तेमाल होता है, सफेद रंग का मेकअप। केमिकल जो मेकअप बनाने में काम आता है, सफेद रंग का मेकअप। अभी तक यकीन नहीं हो रहा सर, हम सोच रहे थे ये सारे खून कोई जानवर कर रहा है, पर खूनी तो आदमी निकला सर। वो सिर्फ खून ही नहीं करता, खून चूसता भी है। सर पहले भी एक केस आया था आदमखोर वाला, उसमें वो आदमी का मांस खाता था, पर ये कैसा खूनी है जो सिर्फ
खून ही पीता है। अभी ये सिर्फ खून ही नहीं पीता, सफेद रंग का मेकअप लगाकर घूमता है। सर, ये सफेद रंग का मेकअप तो सर्कस में काम करने वाले जोकर, नाटक में काम करने वाले ये टीवी एक्टर्स वगैरह लगाते हैं सर। हाँ अभिजीत, मगर शहर में तो इतने सारे नाटक के शोज होते हैं, कितनी सारी टीवी सीरियल और सिनेमा की शूटिंग होती है, पता कैसे लगाएंगे? सर अभी पता लगा लेते हैं कहाँ पे क्या चल रहा है। ये तीन सर्कस, 15 नाटक और 30 टीवी सीरियल्स की शूटिंग चल रही है। एक एक जगह पे जाकर के पूछताछ करनी होगी, पता लगाना पड़ेगा। तो शायद सब जगह नहीं जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये नाटक 3 दिन बाद ओपन होने वाला है और इसका एक्टर सफेद मेकअप लगा के घूम रहा है। वैम्पायर की कहानी पर नाटक, वैम्पायर जो आदमी का खून चूसता है। मुझे मालूम है इस रिश्ते में मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती, मगर मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें झमेले में नहीं घसीट सकता। एक मिनट, बंद करिए आप लोग ये सब, बंद करिए। अरे कौन है ये लोग और ये रिहर्सल में क्यों घुसे चले आ रहे हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। आइए आइए, ऊपर आइए। शहर में खून हो रहे हैं क्योंकि पूछताछ करने के लिए आए हम लोग। खून? क्या खून? 4-4 खून हुए हैं और हमें शक है कि खूनी आप लोगों में से कोई एक है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ, उस लाश के नाखूनों में सफेद मेकअप मिला है जो यहाँ थिएटर में इस्तेमाल होता है। तो आइए आप सब लोग, आइए यहाँ पर और लाइन में खड़े हो जाइए। सब लोग आइए, आप लोग आइए, लाइन लगाइए। आप लोग भी आ जाइए इस तरफ। चलिए, आप मास्क उतारिए। आप भी डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब, चलिए आप भी लाइन में खड़े हो जाइए। चलिए जल्दी। अब सुनिए, हम आप लोगों के थूक के सैंपल्स लेने वाले हैं, थूक के डीएनए टेस्ट करवाने के लिए, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए। विवेक शुरुआत करो सैंपल लेने की। बाकी सब लोग यहां पर आ गए, कोई बचा है? हाँ सर, एक अभिनव है सर, वो कॉस्ट्यूम चेंज कर रहा है वहां पर। जाइए, बुला के लाइए उसे। वो खोलिए, जीभ ऊपर कीजिए। ठीक है, नाम क्या है तुम्हारा? वरुण। वरुण सर, यहाँ आसपास कई नाटकों की रिहर्सल चल रही है, वो सब भी सफेद मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, फिर आप लोग हम पर ही शक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वैम्पायर के ऊपर सिर्फ आप लोग नाटक कर रहे हैं। सर यह है अभिनव। तो तुम हो अभिनव, अपने दांत दो, दांत दो। विवेक इसका भी थूक लेना। खोलो और जीभ ऊपर कर। सर हो गया क्या? इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा बाकी है। अब हो गया अभिनव जी, अब हुआ। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती, आप में से कोई भी ये शहर छोड़कर नहीं जाएगा, समझे? आइए सिंधी साहब, आइए। सारंगी में तेरा चेहरा दिखने नहीं आया, थिएटर में से जो सामान मिला है उससे क्या पता चला ये पता करने आया। क्यों भाई, मेरे चेहरे में ऐसी क्या बुराई है? हाँ, बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड्स तो कहा करती थी कि मैं तो बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम आदमी। बस रेडी सर। सर
जो मेकअप का सैंपल आप लोग थिएटर से लाए थे और लाश के नाखूनों से मिला सैंपल, दोनों बिल्कुल मैच होते। मैच होते? और वो डीएनए थिएटर में किसी आदमी के साथ मैच होता है? डीएनए होता बस, डीएनए भी मैच होता है। किसके साथ? थिएटर में काम करने वाले एक एक्टर के साथ। एक्टर के साथ? क्या नाम क्या है उसका? अभिनव नाम है उसका। अभिनव? अभिनव तो वही एक्टर है जो खून चूसकर मार देने वाले वैम्पायर का काम करता है नाटक में। सर मैंने वैम्पायर पर बनी फिल्में देखी है। वो ऐसा ही करते हैं, रात के अंधेरे में शिकार को ढूंढकर उन्हें मारकर उनका खून पी जाते हैं। सर फ्रेडी ये सब फिल्मों में होता है, असलियत में नहीं, समझे? मुझे तो ऐसा लगता है सर, ये अभिनव सिर्फ ड्रामा में वैम्पायर नहीं बना, ये सचमुच का वैम्पायर है सर। अच्छा अच्छा बस एक और बात, उस लड़की के कंधे पर दांत के दो निशान याद है ना? हाँ। और ये दांत आप लोग थिएटर के सामान में लेके आए थे? हाँ। जिन्हें अभिनव लगाता था नाटक में। हाँ आइए मेरे। एप्पल के दांत के निशान और ये लड़की के कंधे पर दांत के निशान, ये निशान बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इस लड़की के कंधे पर है। ऐसे ही नहीं साळुंखे, बल्कि यही है निशान। तो ये अभिनव ही है जो एक के बाद एक खून करके शहर में आतंक मचा रहा है, मगर क्यों? कहाँ है अभिनव? सर आप आज फिर हमारे रिहर्सल में आ गए। सर कल हमारा शो है, प्लीज। जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता समझ लो तुम्हारा रिहर्सल बंद, समझे? बुलाओ उस वैम्पायर अभिनव को, बुलाओ। अभिनव क्या हुआ अभिनव को? सर सारी टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। ये अभिनव ये है जो रात के अंधेरे में सारे खून कर रहा है। क्या अभिनव खूनी है? हाँ अभिनव, कहाँ है वो जल्दी बताओ। पता नहीं सर, अभी तो यही था। सर कहीं वो हमें देख के भाग तो नहीं गया? भाग कर जाएगा कहाँ, यहीं कहीं छुपा होगा वो, ढूंढो उसे। लाश के हाथों पर जो खून लगा था वो तुम्हारा है, दांतों के निशान, मेकअप सब तुम्हारे है। कह रहा मैंने कुछ नहीं किया। कल रात कहां पर थे तुम? याद नहीं, मुझे आजकल रात की कोई भी बात याद नहीं रहती। रात की बात याद नहीं रहती तुझे? अच्छा कोई बात नहीं, सुबह उठने के बाद क्या होता है ये बता। चुप रहने से काम नहीं चलेगा, समझे? बताओ। मैं रात को सो जाता लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुलती है तो क्या होता है सुबह? जब मैं रात को सोता हूँ और सुबह उठता हूँ तो मेरे हाथ और मुंह पे खून लगा होता है। लेकिन सर मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे रात की कोई भी बात याद नहीं आती। सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने खुद को बांध कर सोने की कोशिश की लेकिन फिर भी वही हुआ। रात को क्या होता, खून कैसे हो जाता, मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा क्या और कैसे वो तो अब हम पता लगाएंगे।
आप लोग पूरी रात यहीं रुकेंगे? हाँ, और एक बात मैं पहले ही बताता हूँ, ज्यादा चालाकी की जरूरत नहीं। इनका यह मतलब है कि हम पूरी रात तुम पर नजर रखेंगे। जैसा तुमने कहा था, हम भी देखना चाहते हैं कि रात को अपने आप तुम्हारे मुंह और हाथ पे खून कहां से लग जाता है। इसी बात से तो मैं भी परेशान हूं सर। मुझे रात को क्या होता है, कैसे होता है, कुछ भी याद नहीं रहता। शायद नींद में चलने की बीमारी हो, बेहोशी की हालत में शायद रात को जाकर लोगों का खून करें। मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। पता नहीं उस लाश के नाखून में मेरी खाल कहां से आ गई। वो जो कुछ भी आज रात को पता चल जाएगा, हम लोग पूरी रात यहीं पे बैठकर तुम पर नजर रखें। ओके सर, फिर मैं भी आप लोगों के साथ जागता हूँ। नहीं, तुम सो जाओ, तुम्हारा सोना बहुत जरूरी है, तभी ये राज खुल पाएगा कि तुम्हारे साथ रात को होता क्या है। प्लीज अभिनव, अभिनव, सचिन, सचिन, विवेक, दरवाजा खोलो। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? गड़बड़ तो नहीं है? सचिन, विवेक, दोनों के दोनों यहां पे सो रहे हैं। विवेक, सचिन, उठो। सर, क्या कर? हाँ, तुम दोनों को यहाँ पे अभिनव के पर नजर रखने के लिए भेजा गया था, तुम लोग खुद सो रहे हो। सचिन, प्लीज। अभिनव, अभिनव, उठो। खुद है तो खून ही, ये कैसे हो सकता? इसका जवाब तुम्हें देना था। अब तुम दोनों यहाँ पे खुद सो रहे थे। सर, ये क्या हुआ? फिर से खून? कहीं मैंने फिर से? हाँ अभिनव, शहर में एक और खून हुआ है, और बिल्कुल उसी तरीके से। सर, आपको ये तो नहीं लग रहा कि वो खून मैंने किया? वो तो पता लग जाएगा, लाश के नाखून के अंदर खाल मिली है। तुम्हारे शरीर पे कोई नए चोट के निशान तो नहीं? देखो जरा, ये तो पुराना है सर। नहीं सर, कोई चोट नहीं है। मतलब ये खून मैंने नहीं किया? और तो टी-शर्ट उतारो जल्दी, टी शर्ट उतारो। अभिनव, हमारे साथ चलो, तुम्हारा डीएनए टेस्ट करना होगा। सर, हम दोबारा से डीएनए टेस्ट क्यों कर रहे हैं? यह आदमी भी बिल्कुल वैसा ही मरा है जैसे पहले दो खून हो चुके हैं। हाँ फ्रेडी, मगर किसी पर भी शक करने से पहले उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोगों को ड्यूटी पर ही नींद आ गई, वरना ये खून होने से हम रोक सकते थे। हाँ सर, उनकी तो क्या पता चला, इसने भी खूनी को नोचा था ना, तो इसके उंगलियों में जो खून मिला है वो अभिनव के डीएनए से मैच होता है। हाँ यार, मैच होता है, लेकिन अभी रुक जाओ, मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ। डीएनए मैच होता है ना सारुंग के, तो फिर और क्या ढूंढ रहे हो यार? यार एक मिनट रुको ना,
बहुत कमाल की चीज है बॉस, अभी बताता हूँ, रुको जरा। सर हमें फौरन इस अभिनव को गिरफ्तार कर लेना चाहिए ताकि वो आगे जाके किसी और पर हमला ना करे। एक मिनट विवेक, सर जो टेस्ट कर रहे हैं अगर उसका रिजल्ट सही निकला तो पूरा का पूरा केस उल्टा घूम जाएगा। इसमें टेस्ट करने जैसी क्या बात है, साफ साफ दिख रहा है कि ये अभिनव रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पे जाके अपना शिकार ढूंढता है और उसे मार के घर पे जाके सो जाता है। ए यार केडी, एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड रुक जाए, मैं अभी बताता हूं। मगर इसका मतलब क्या है साणुखे? इसका मतलब ये है बॉस कि अभिनव कल रात को कहीं बाहर गया ही नहीं। क्या यार साणुखे, अभिनव कल रात अपने घर से बाहर गया ही नहीं? नहीं। तो फिर लाश की उंगलियों में अभिनव का खून कैसे आया? वो मुझे नहीं मालूम कि खून कैसे आ गया, मुझे ये मालूम है कि अभिनव कल रात को अपने घर पे ही था, कहीं बाहर नहीं गया। क्योंकि उसे नींद की दवाई दी गई थी, उसके थूक से हमें दवाई मिली है सर। उसके थूक से नींद की दवाई मिली? जी हाँ। तो फिर ये हो सकता है विवेक कि तुम्हें और सचिन दोनों को भी नींद की दवाई दी गई जिसकी वजह से तुम लोग वहां ड्यूटी पर सो गए। बिल्कुल हो सकता है। अभिनव को खून करने से पहले कोई नींद की दवाई देता है और उसे बेहोश करता है और फिर खून करके वहां से गायब हो जाता है। जब अभिनव होश में आता है तो उसे लगता है कि खून उसी ने किया है। मतलब सर कोई जानवर है जो अभिनव को सुला के खून कर रहा है? रेडी, ये कोई जानवर नहीं, ये कोई तेरे दिमाग का आदमी है जो ऐसे कर सकता है। पहले हमें ये पता करना चाहिए कि अभिनव को ये नींद की दवाई दी कैसे, कहां और किसने। सरदार तुमने और विवेक ने इन ग्लासेस में सिर्फ पानी पिया था या कुछ और खाया भी था? सर खाया तो कुछ नहीं, सिर्फ पानी पिया था और अभिनव ने इस कप से कॉफी पी थी सर। पानी में ड्रग्स मिलाया गया। जिस बॉटल में हमने पानी पिया था मैं वो लेके आता। चलिए ले आओ। इसमें भी ड्रग्स है। तुम तीनों को नींद की दवाई दी गई इसीलिए तुम लोग सो गए। सर ये रही बॉटल जिसमें से हमने पानी पिया था। नहीं। ये कैसे हो सकता है? पानी तो हमने इसी बॉटल में से पिया। अगर इस बॉटल में ड्रग्स नहीं है तो फिर इन ग्लासेस में कहां से आया? हो सकता है सिर्फ इन ग्लासेस और मग पे ड्रग लगाया। तो जिसने भी ये किया उसे कैसे मालूम था कि हम इसी में पानी पीने वाले? ये बात भी है। एक काम करो, किचन में जितने ग्लासेस और मग्स हैं सब लेके आओ। करके अच्छी तरह से चेक करो। सब में ड्रग्स लगाया गया है। इसका मतलब किसी ने घर की हर ग्लास हर मग पे ड्रग्स लगाया था ताकि उसमें से हम कुछ भी पिए और ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर चले जाए। हाँ सचिन, काफी दिमाग लगाया इस खूनी ने। पहले दवाई देके तुम तीनों को बेहोश कर दिया और फिर उसने अभिनव के दांतों में और हाथों के खून लगा दिया, उसके छाती पे वो निशान बनाया, फिर अभिनव के खाल को लाश के नाखून में डाल दिया। मैं खो रही हूं। अगर ये खूनी नहीं है तो खून किए किसने? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा आदमी है जो दूसरों का खून पी रहा है? वो तो हमें पता लगाना पड़ेगा सचिन। अभिनव, तुम्हारे अलावा इस घर में किसका आना जाना है? कौन है जो घर के अंदर घुस के ये ड्रग्स डाल सकता है?
मैं तो घर में अकेला ही रहता हूँ। दोस्तों से भी ज्यादातर मिलना घर के बाहर ही होता है। ऐसे तो कोई घर में नहीं आता। कोई तो है, इसलिए इतनी आसानी से वो तुम्हारे घर में घुस के उसने ये सब किया। हाँ सर, एक और इंसान है जिसके पास मेरे घर की चाबियां रहती हैं, मेरी मेड लता। ओ, लता। हाँ सर, ये सब मैंने किया था। उस आदमी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे साहब, मुझे माफ कर दो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने मालिक से गद्दारी करते हुए। तुम्हें मालूम है उस दवाई से किसी की जान भी जा सकती है? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता सा। उस आदमी ने कहा था कि साहब को कुछ नहीं होगा, सिर्फ उन्हें नींद आएगी। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। अच्छा, उस आदमी के बारे में तुम कुछ बता सकती हो? कैसा दिखता था वो? उस आदमी के चेहरे पे मुखौटा था। मुखौटा? कैसा मुखौटा? बड़ा भयानक मुखौटा था साहब। उसके आधे सर पे बाल नहीं थे, एक बड़ी सी नाक थी साहब, और दो बड़ी बड़ी भौहें थी। बड़ा भयानक सा मुखौटा था साहब। उसका मुखौटा एक बुड्ढे के जैसे लग रहा था साहब। ऐसा मुखौटा तो मैंने अभिनव के नाटक में देखा था। अभिनव के नाटक में पहना हुआ था किसी ने? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि खूनी अभिनव के नाटक का ही कोई आदमी है। आज मैं बहुत खुश हूं, अभी कुछ ही घंटों में हमारा नाटक शुरू होने वाला है। सीआईडी के चक्कर में लग रहा था कि शायद ये ना हो पाए, लेकिन थैंक गॉड कि अभिनव पकड़ा गया, अब सब ठीक है। अभिनव, तुम यहां कैसे? तुमको तो सीआईडी ने अरेस्ट कर लिया था। हाँ, मुझे तो जेल में होना चाहिए, पर सीआईडी को सही वक्त पे पता चल गया कि मैं निर्दोष। खून तुमने नहीं किए? नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया, बल्कि तुम लोगों में से मुझे कोई फंसा रहा था। अरे क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा मेरे साथ? क्यों इतनी नफरत करते हो मुझसे? खैर, वो जो भी है बाहर आ जाओ, कोई बात नहीं, मत आओ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। ये नाटक हम सबके लिए आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन अब मैं ये नाटक नहीं होने दूंगा। किसी का नाम डूबेगा, किसी का पैसा, और बाकियों को तो शायद काम भी नहीं मिलेगा आगे। सबको बर्बाद कर दूंगा मैं। अभिनव, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसे कोई रोको इसे। प्लीज कुछ कीजिए, इस नाटक से मेरी बहुत उम्मीद है। प्लीज सर, कुछ कीजिए ना। हमें पुलिस को बुलाना होगा। नहीं सर, हमें इसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे दिमाग ठंडा हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। तुम ठीक है, हमें उससे बात करनी चाहिए। अभिनव, कोई मेरे पास बता ना, तुमने किसी से कोई बात नहीं कर दी। इसका दिमाग खराब हो गया, मैं इसे जाके बात करूंगा। संभल के जाना अभिनव। नहीं बेटा, नहीं, हम में से तुम्हारा बुरा कोई क्यों चाहेगा? तुम लोगों में से कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा। ठीक है, तुमने खून नहीं किया। देखो, हम मिलके खूनी का पता लगाएंगे।
तो मैं जानता हूं कि तुमने खून नहीं किया। मैं खूनी का पता लगाऊंगा। उतर, पीछे उतरो। अच्छे बेटे, मुझे अपना हाथ दो। शाबाश, शाबाश। हाथ पकड़े रहो, हाथ फिसल रहा, हाथ फिसल रहा, पकड़े रहो हाथ। अरे अरे इसे कोई बचाओ, अरे इसे कोई बचाओ, अरे इसे कोई बचाओ। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है वो। जिंदा है? वाह रे वाह, प्रोड्यूसर साहब वाह, तुम तो अभिनव से भी बड़े अच्छे एक्टर निकले। मतलब ये सब आपकी चाल थी? जी हाँ, नहीं तो असली खूनी के बारे में कैसे पता चलता है? ये तो हमें मालूम था कि खूनी जो कोई भी है वो अभिनव से बदला बदला लेने के लिए सब नहीं कर रहा। अभिनव को फंसा के किसी को मिलेगा भी क्या? हा? तो जरूर कोई बड़ी वजह होगी फंसाने के लिए, है ना? तो हमने सोचा कि वो बड़ी वजह भी तुम्हारे नाटक से जुड़ी हुई है, और इसलिए अभिनव से हमने कहलवाया तुम लोगों को कि वो तुम्हारा नाटक बर्बाद करके रख देगा। और असली खूनी खुद ब खुद सामने आ गया। अभी भी भागेगा? बता दो सर, अभिनव मेरे खेल का एक मोहरा था। मैंने आज तक बहुत से नाटकों में पैसा लगाया, मगर सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिला। ये मेरा आखिरी मौका था सर। तो इस सब में ये अभिनव बीच में कहां से आ गया? इस नाटक की भी टिकट कोई नहीं खरीद रहा था, और ना ही कोई पैसा लगाना चाहता था। तो तुमने सोचा कि न्यूज में चार जगह लिख करा कि तुम्हारा एक्टर अपने किरदार की तरह लाख का खून पीता, और ये सब देखने के लिए लोग टूट पड़े नाटक पर, और तुम पैसा बनाते जाओ। हाँ सर। और इसके लिए तुमने अभिनव के कॉस्ट्यूम से वो नकली दांत चुराए और ये सारे खून किए, और लाश के पास हर वो सबूत छोड़ा जिससे सारा शक अभिनव पे जाए। क्यों? अब जेल में बैठकर पैसे बनाने के अलग अलग तरीके ढूंढते रहना फांसी का ऑर्डर आने तक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।